वो 5 बजे आया मानुस और वो फ्लोरिंग ही गिरा, तो थर्ड फ्लोर का फ्लोरिंग गिरा तो सेकंड फ्लोर, सेकंड से फर्स्ट और फर्स्ट से ग्राउंड, मतलब टोटल जो फ्लोरिंग था वो पूरा नीचे गिर गया, पूरा नीचे गिरा, नीचे ये पूरी बिल्डिंग मतलब जर्जर व्यवस्था में, जर्जर व्यवस्था में तो है। क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें है, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं विक्रोली के कनमोर नगर में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग नंबर 40 गुरु कृपा बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में आज शाम में एक ऐसा हादसा हो गया, इस बिल्डिंग के तीसरे माले पर जो एक फैमिली रहती थी जिसमें स्लैब कोलैप्स होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है और लोगों को शिफ्ट करने की बात करी जा रही है, मगर अब तक लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर जो विधायक है सुनील राउत वो भी आए थे और लोगों को शिफ्ट करने की बात करे थे, मगर जिस प्रकार से महाडा और दीवान बिल्डर की लापरवाही सामने आई है तो बिल्डिंग के कुछ रहवासी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये हादसा कैसे हो गया और ये भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं और पूरा डिटेल देंगे। मैम आपका नाम क्या है? निर्मला त्रिवेदी। आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ यही बिल्डिंग में रहती हूँ। कितने माले पे रहते हो? थर्ड फ्लोर पे। अच्छा ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में तो लोग खाली क्यों नहीं कर रहे थे? अरे क्या है, हमारा 13 बिल्डिंग था, सब लोग ने खाली किया, किसको भाड़ा भी नहीं कुछ भी नहीं, और कुछ बिल्डिंग भी बनाया नहीं, इसके लिए हम लोग अभी कंडीशन के वजह से नहीं हम लोग ने खाली किया। अच्छा। हाँ जो घर में गिरा है इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हाँ। तो उस घर की कंडीशन और आपकी घर की कंडीशन कैसी है? मतलब ऐसा तो वो लोग का भी घर बराबर था, पर वो फ्लोरिंग था ना। हाँ। वो फ्लोरिंग, वो 5 बजे आया मानुस और वो फ्लोरिंग ही गिरा, तो थर्ड फ्लोर का फ्लोरिंग गिरा तो सेकंड फ्लोर, सेकंड से फर्स्ट और फर्स्ट से ग्राउंड, मतलब टोटल जो फ्लोरिंग था वो पूरा नीचे गिर गया। पूरा नीचे गिरा, नीचे गिरा। ये पूरी बिल्डिंग मतलब जर्जर व्यवस्था में, जर्जर व्यवस्था में तो है। तो प्रशासन इस पे ध्यान क्यों, क्योंकि आप लोगों का 6 महीने से फाइल माडा के पास था जिसके बाद आप लोगों को NOC नहीं दिया जा रहा था, इसको बनाने के लिए डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया जा रहा, क्या लगता है आपको क्यों? क्या है सब प्रॉब्लम, सब बिल्डिंग का सब कन्वेस सोसाइटी था ना, इसके लिए प्रॉब्लम भी था। अभी माडा के लोग आए थे। हाँ। उनको हमारा सेक्रेटरी बोला कि हम कितना टाइम से वो करते है। हाँ। आप अभी अपने को NOC मिलेगा बिल्डर आएगा तो हम लोग खाली करेंगे ना, किधर से भाड़ा भरेगे, इतना भाड़ा किधर से भरेगे, आमदनी उतना मांगता है ना, 20-20 हजार भाड़ा भरेगे तो खाएगे क्या, है ना। अच्छा सरकार की तरफ कुछ आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? कुछ नहीं दिया है। तो अभी कहाँ रहेंगे आप लोग? अभी बोलते हैं अपना ये लोग चावी किधर, माड़ा का उधर चावी दिया है, टेम्पररी शिफ्टिंग दिया गया। अभी क्या मान, क्या टेम्पर। बहरहाल आप लोगों, अच्छा कितना डर बना हुआ है, मतलब अगर इस तरह की बिल्डिंग में अगर आप लोग रहते कितना डर, मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते कि मौत के साए में आप लोग रह रहे थे। अरे हम लोग ऐसे ही रहते थे, लेकिन हमारे उधर आने वाले तो बिल्डिंग में भी नहीं आते थे, नीचे ही रहते थे, मुझे रिलेटिव नहीं आए थे। हाँ पर अपना अपना पास ये नहीं, इसके लिए हमको तो भी हम ऐसा जर्जरित बिल्डिंग में रहते थे, क्या करे गया, मजबूरी मजबूरी सब कुछ करवाती है। हाँ ठीक है। तो क्या लगता है जो आप लोगों को आश्वासन दिया गया, जैसे सुनील राउत आए थे यहाँ पर, उन्होंने ही शिफ्टिंग की बात किया है, क्या मालूम नहीं, वो तो मेरे को वो कौन आए थे वो हमको नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया गया आप लोगों के? खाने को कुछ है अभी? वो राइस चावल बनाया, बिरयानी कुछ, हम लोग तो नहीं गए। पूरा सामान वामान निकाल लिया गया? नहीं अब ऐसा ही है, ऐसा ही है, दवाई लेने को, अभी मेरा भी दवा लेने का। अच्छा अच्छा नहीं रे माजी तो 5-5 हजार की औषध आन लिया है ना बेटा। फिलहाल आप यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है और आसपास के लोग इस क्षेत्र में देखने को आ रहे हैं कि ये हादसा जो हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीर में बिल्डिंग की हालत और ये जर्जर व्यवस्था में लगातार प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे साफ नजर आ रही है और इस पे प्रशासन
कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण दो लोगों को जान गंवानी पड़ी है। हालांकि बारिश शुरू होने के पहले लगातार बीएमसी ऐसी बिल्डिंगों को नोटिस देता है और खाली कराता है और शिफ्ट कराता है, मगर इस बार जिस तरीके से बारिश शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है और मुंबई में कई ऐसी जर्जर इमारत है जहां पर बिल्डिंगों को नोटिस देने की आवश्यकता है, मगर बीएमसी कहीं ना कहीं जो चुनाव में लगातार बिजी नजर आ रही है और लोगों की जान के खिलवाड़ करते हुए नजर आ रही है। और म्हाडा की बात कर लें तो ये म्हाडा के अधिकारी के वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब देखना ये रहेगा इस मामले को लेकर किस पे क्या कार्रवाई होती है, या इसी तरीके से किसी छोटे के ऊपर एक केस दायर करके और कार्रवाई की जाती है, या किसी आला अधिकारी पे कार्रवाई की जाती है। अब देखना यह रहेगा इस मामले को लेकर प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। हालांकि यहां पर लोगों से तो मिलने कोई आया नहीं है, लगभग इस पूरे बिल्डिंग में 40 टेनेंट रहते थे और 26 लोगों ने खाली करके चले गए थे, 14 लोग रहते थे। जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला बता रही थी कि तीसरे माले की फ्लोरिंग गिर के सीधा पहले माले पर आ जाती है, बहुत ही चिंताजनक है और बिल्डिंग की व्यवस्था आप खुद इस हादसे के बाद से जान सकते हैं। अब देखना यह रहेगा इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ मुआवजा देते हैं। कैमरा पर्सन यूसुफिया जैन से मुंबई टीवी।